हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के यूनिट नंबर 7 है, फैक्टर फैक्टरिंग सर्विसेज के ऊपर है, पार्ट नंबर 1 है। ऐसे कई पार्ट्स है इस वीडियो में। आप प्रॉपर अगर जेबी का वीडियो कोर्स करना चाहते हो, जब मेरा फोन नंबर दिया हो, यहाँ पे फोन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग से आप क्या समझ रहे हैं? फैक्टरिंग एक तरीके का सर्विस होता है जो कि बेसिकली कंसर्न होता है आपका, समझिएगा बात मैं जो बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान सुनिएगा समझ में आ जाएगा। तो फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग एक तरीके का सर्विस होता है। ये सर्विस किसको हम लोग देते हैं? सेलर को देते हैं और एक्सपोर्टर को देते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे कंसर्न होता है कि एक्सपोर्टर सेलर को फाइनेंस करना, लोन देना, एडवांसेस देना। ठीक है, उस और बैंक जो भी बैंक हो गया या फाइनेंशियल हो गया, उसका एक और काम होता है जो भी अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब है कि जो भी सेल किया, तो सेल का पैसा को भी बैंक ही रखेगी अपने पास, या चाहे बैंक खुद कलेक्ट करेगी। ठीक है, चाहे डोमेस्टिक ट्रेड की बात हो रही हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही हो। तो फैक्टरिंग समझ में आया? फैक्टरिंग बेसिकली एक सर्विस होता है जो बेसिकली सेलर एक्सपोर्टर को देते हैं, वहां पर उनको मदद करते हैं फाइनेंस करके। ठीक है, और जितना भी माल बेचा जाता है, ठीक है, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे माल बैंक ही बेचती है। ठीक है, बैंक बेचती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेचती है। ठीक है, तो जो बेच रही है तो उसको क्या अकाउंट रिसीवेबल आएगा, पैसा आएगा, तो वो पैसा भी यही कलेक्ट करेगी। ठीक है, चाहे डोमेस्टिक ट्रेड का बात हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड का बात हो। फैक्टर माई, फैक्टर एक तरीके का कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है। क्या है फैक्टर? तरीके का कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है जहां पे जो भी रिसीवेबल्स होता है, ठीक है, वो रिसीवेबल्स क्या है? पैसा है। रिसीवेबल्स क्या चीज से आ रहा है? तो आपने जो गुड्स को, जो भी आपने सेल किया गुड्स को या सर्विसेस, उससे पैसा आपको जनरेट हो रहा है। ठीक है, कौन जनरेट कर रहा है? एजेंसी जनरेट कर रहा है। तो एजेंसी बेच रही, एजेंसी जनरेट कर रही, उसी चीज को हम फैक्टर बोलते हैं। एजेंसी कौन होता है यहाँ पे? बैंक होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक है, समझ में बात। तो यहाँ फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग एक समझ, सॉरी, फैक्टर कौन होता है? फैक्टर या एजेंसी होता है। एजेंसी कौन होता है? बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। उसका काम यह है कि फैक्टरिंग को एक कंटिन्यूस अरेंजमेंट में चलाए, जहां पे जो भी पैसा कलेक्ट करना है वो एजेंसी करेगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कलेक्ट करेगा। कैसे कलेक्ट करेगा? वो माल बेचता है, ठीक है, एक्सपोर्टर का माल या सेलर का माल बेचेगा। ठीक है, जिसके साथ डील है उसके साथ माल बेचेगा और उसका पैसा खुद वो कलेक्ट कर लेगा। समझ में ये बात, ये काम इसका है, इसी चीज को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है ना, सब कुछ पहले से प्रीडिफाइंड होता है, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, इससे पता होता है बैंक को। ठीक है, ये मत सोचिए बैंक ग्राहक ढूंढता है, बैंक को सब पता है कि कौन खरीदने वाला, कौन रेगुलर कस्टमर होने वाला है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मारुति कंपनी है, टाटा कंपनी है, इसको नटबोल्ट ये खुद नहीं बनाते, नटबोल्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन से मंगवाती है, सारा काम थोड़ी ना खुद बनाती है। नटबोल्ट हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो आउटसोर्स होता है। अब वो पता है कि यही ये आदमी इसी को सिर्फ बेच रहा है। ठीक है, वो उसी तरीके से यहाँ पे काम होता है, तो पता है कि फिक्स्ड कस्टमर कौन है, समझ में, उसी से पैसा लेना होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात पर। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है रिकोर्स फैक्टरिंग, दूसरे का नाम है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग या फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। तब पहला ये रिकोर्स फैक्टरिंग में, रिकोर्स फैक्टरिंग को हम बोलते हैं फैक्टरिंग विद रिकोर्स, और इस केस में जहां नॉन रिपेमेंट होता है इनवॉइसेस का कस्टमर के द्वारा, तो फैक्टर जो है वो रिकवर कर सकता है जो भी अमाउंट एडवांस किया गया हो क्लाइंट को। तो इसका मतलब क्या हुआ समझिए, रिकोर्स फैक्टरिंग मतलब होता है, इसको हम बोल सकते हैं फैक्टरिंग विद रिकोर्स। इसका मतलब ये हो गया, कोई भी ऐसा कस्टमर है जिसने कि पैसा नहीं दिया, या कोई भी ऐसा कस्टमर है जिसने पैसा नहीं भरा और सामान डिलीवर हो गया, सेल हो गया और पैसा भर ही नहीं रहा, यानी नॉन रिपेमेंट हो गया, तो भाई फैक्टर कौन है यहाँ पे? बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। उसके पास पावर है कि वो पैसा रिकवर कर सकता है जो भी अमाउंट एडवांस किया गया हो क्लाइंट को। क्लाइंट कौन है? सेलर और एक्सपोर्टर क्लाइंट है, समझ में, जो लोन दिया उसी में से रिकवर कर लेगा पैसा। समझ में बात, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग या फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, इसका मतलब होता है जो फैक्टर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा दोनों चीजें, यानी बैंक या फाइनेंशियल क्या प्रोवाइड करेगी? दो चीज प्रोवाइड करेगी, आपको फाइनेंस भी देगी और क्रेडिट प्रोटेक्शन देगी। क्रेडिट प्रोटेक्शन का मतलब ये हो गया कि अब फैक्टर के पास पावर नहीं है कि जो भी लोन दिया था एडवांस उसी में से काट लेंगे अगर नॉन रिपेमेंट हुआ तो यही हो गया क्रेडिट प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्रेडिट प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ क्रेडिट प्रोटेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंस भी कर रहा है, क्रेडिट प्रोटेक्शन भी दे रहा है, दोनों चीजें दे रहा है। फॉरफिटिंग में ये फॉरफिटिंग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर को दिया जाता है, हमेशा दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए, फॉरफिटिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर के दिया जाता है, जबकि फैक्टरिंग एक्सपोर्टर को भी दे सकते हैं, सेलर को भी दे सकते हैं।
ये पहला डिफरेंस है। फॉरफिटिंग एक्सपोर्टर को भी दे सकते, फॉरफिटिंग सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए होता है, और यहाँ पे हम फाइनेंस देते हैं यानी क्रेडिट देते हैं यानी लोन देते हैं, ठीक है, किसी भी एक इंटरमीडियरी से, इंटरमीडियरी यानी बैंक, फाइनेंशियल कोई भी हो सकता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फॉरफिटर, क्या बोलेंगे, फॉरफिटर। और वो क्या चीज के ऊपर देता है, वो एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स के ऊपर देता है, यानी जो भी माल बेचा जाएगा एक्सपोर्ट्स का, तो उसका जो पैसा कमाया जाएगा, दैट इज एक्सपोर्ट रिसीवेबल। पर यहाँ पे अंतर क्या हो जाता है उसमें और इसमें, कि यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि वो रीपे करे क्रेडिट को, यानी लोन को रीपे करे, यानी एक्सपोर्टर के पास किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं। ऑब्लिगेशन मतलब है, नहीं भाई तुमको तो पैसा भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या ऑब्लिगेशन है, भरना पड़ेगा पैसा आपको, लोन लिए तो चुकाएंगे ना पैसा, या लोन लिए तो चुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो भी एक्सपोर्ट का काम हो रहा है तो पहले बैंक अपना एक्सपोर्ट का, बैंक ने जो लोन दिया सबसे पहले बैंक अपना लोन का ही पैसा चुकाती है, उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो एक्सपोर्टर को क्रेडिट करती है। और ये यूज कहाँ होता है, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है ये सब चीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया करके सारा नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, और जहाँ कुछ प्रॉब्लम आएगा पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे आप जेआईबी का प्रॉपर वीडियो लेक्चर कोर्स का पैकेज खरीद सकते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 3500 क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिवीजन नोट होगा, और 30 मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे दो तरह के जेआईबी का कोर्सेज है, एक पीपीटी वीडियो कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो कोर्स, जिसमें आप जेआईबी का प्रिंसिपल्स करें, लीगल करें उसका दाम है 600 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम 800 रुपये, जेआईबी का कॉमो पे करेंगे उसका दाम 1500 रुपये। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं जो सबसे पावरफुल कोर्स है, उसे आप जेआईबी का प्रिंसिपल्स करें या लीगल करें उसका दाम है 1200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम 1500 रुपये, जेआईबी का कॉम्बो पैक है उसका दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू।